हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज दोस्तों हम बताएंगे आपको साउथ अफ्रीका कंट्री के बारे में, जो हमारे पास बहुत ज़्यादा रिप्लाईमेंट आता है कि सर मुझे बताइए कि कौन सा काम यदि हम सीख कर जाएं तो साउथ अफ्रीका में कितना लगभग कमा सकते हैं। ऐसे ही गल्फ कंट्री के बारे में बताइए जहाँ पर हम काम भी कर सकें और उस कंट्री को भी घूम सकें। आज दोस्तों हम बताएंगे आपको साउथ अफ्रीका कंट्री के बारे में, जिस भी कंट्री के बारे में आपको जानना हो, जानकारी लेना हो, सैलरी के बारे में, कंपनी के बारे में, तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको कभी ना कभी रिप्लाई मैं जरूर देता हूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आया था कि साउथ अफ्रीका कंट्री में वह कौन सा काम है, किस लाइन में हमें काम लेकर सीख कर उस डिग्री के उस कैटेगरी में जाना चाहिए। अब दोस्तों हम बताएंगे आपको साउथ अफ्रीका कंट्री एक ऐसा कंट्री है जो जानन मानन कंट्री के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कह सकते हैं साउथ अफ्रीका एक गल्फ कंट्री का मशहूर सिटी और हर वह वर्कर को काम करने वाला एक खूबसूरत कह सकते हैं विदेश गल्फ कंट्री है। साउथ अफ्रीका में यदि दोस्तों आप कंस्ट्रक्शन के लाइन में जाते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन में लाइन में जाना चाहते हैं, वह साउथ अफ्रीका कंट्री में बहुत ऐसे काम है जिसमें वह अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। साउथ अफ्रीका कंट्री एक ऐसा कंट्री है जिसमें कंस्ट्रक्शन के काम बहुत तेजी से चलता है, इसमें वैकेंसियां भी बहुत ज़्यादा आती हैं और इसमें लोग भी जाना पसंद करते हैं। पर दोस्तों मैं बता दूँ आपको कुछ ऐसे बातें जिस प्रकार से यदि आप साउथ अफ्रीका कंट्री सोच रहे हैं जाने के लिए, ठीक है, सोचिए, अच्छी बात है, और काम सीखे हैं तो बहुत बेहतर बात है। यदि जाकर पैसा कमाना चाहते हैं उससे बेहतर है, और अच्छे तरीके से साउथ अफ्रीका में सेट भी होना चाहते हैं ये भी बेहतर है। यह सब बीचों के बीच में आपको हम कुछ ऐसे उलझन बातें बता दूं ताकि आप कभी भी एजेंट फर्जी एजेंट के चक्कर में अपना पैसा, अपना टाइम, अपना समय कभी ना कमाएं। पहला नंबर, यदि किसी भी काम में जाते हैं, चाहे प्लम्बर के काम सीखे हों, इलेक्ट्रीशियन का काम सीखे हों, पाइप फिटर का काम सीखे हों, या चाहे मेसन के काम सीखे हों, चाहे मैकेनिक हों, या चाहे हेल्पर हों, किसी भी कैटेगरी के यदि आप हैं, एक मिस्त्री हैं, एक हेल्पर हैं, जो साउथ अफ्रीका कंट्री में जाकर पैसा आप कमाना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको सीधी लफ्जों में मैं बता दूं कि कंस्ट्रक्शन में यदि कोई भी काम सीख कर जाता है तो इसमें वह ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 40,000, 35,000, 25,000, हर कैटेगरी के हिसाब से, जॉब के हिसाब से, कंपनी के अनुसार कंस्ट्रक्शन में वह काम करेगा तो इंडिया करेंसी में लगभग इतना कमा लेगा। शुरू शुरू में दोस्तों आप साउथ अफ्रीका कंट्री ले लें या चाहे किसी भी गल्फ कंट्री के बारे में बात कर लें, शुरू शुरू में आप जाएंगे तो कोई भी कंपनी आपको वह सैलरी नहीं देगी जो आपको चाहिए। होता क्या है, जो नए नए लोग होते हैं उनको सिखाना पड़ता है, इसीलिए सैलरियाँ जो कम होती हैं। तो दोस्तों यदि आप साउथ अफ्रीका कंट्री में सोच रहे हैं जाने के लिए, तो मैं तो यही कहूँगा कि कोई ना कोई काम जरूर सीख ले जिससे वो साउथ अफ्रीका कंट्री में जाकर अच्छा खासा पैसा कमा सके, क्योंकि गल्फ कंट्री एक ऐसा कंट्री है जिसमें लोग जाकर पैसा कमाते हैं। अब हम बात कर लिया जाए साउथ अफ्रीका में कैसे हमें पता चले कि अच्छा एजेंट कौन है, खराब एजेंट कौन है। हर इंसान के पास एक कमेंट, ये बात उनको मतलब अनुभव के साथ रहता है। मैं दोस्तों आपको बता दूं, देखिए कम से कम 95% में से 95% रद्द है, केवल 5% ही सही है। बात हम कर लें, मैं इसलिए 95% आपको डायरेक्ट कहा हूं क्योंकि मेरा एक बात आपको दिमाग में लग जाएगा। तो 5% जो है वही आपको साउथ अफ्रीका कंट्री में विजिट वीजा देंगे। ये ना कोई कहे कि मैं एम्प्लॉयमेंट वीजा दूंगा और आपके साथ कोई कुछ नहीं होगा, तो ये जान लीजिए दोस्तों साउथ अफ्रीका कंट्री का बहुत कम लोग एम्प्लॉयमेंट वीजा देते हैं, बाकी सब विजिट वीजा देंगे जिसमें आपको वहाँ जाना होगा, कंपनी में सेटल होना होगा और काम सीखते हैं तो काम का हुनर दिखाना पड़ेगा, आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, चाहे आप लखनऊ में दें, दिल्ली में दें, बम्बई में दें, कोलकाता में दें, गुजरात में दें, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, कहीं भी आपको इंटरव्यू दे सकते हैं जिसमें आप कंस्ट्रक्शन के लाइन में जाएंगे तो बेहतर बेहतर तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आकर हमारे कमेंट दीजिएगा, मैं गल्फ कंट्री के बारे में अच्छी से अच्छी जानकारियाँ मैं देने की कोशिश करता हूँ। मैं बता दूँ उन हर भाइयों, उन हर जवानों को कि यदि आप कंस्ट्रक्शन लाइन में जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा रुपया कमाएंगे, यदि आप सिक्योरिटी गार्ड में जाएंगे तो भी पैसा कमाएंगे, एक हेल्पर के लाइन में जाएंगे तो भी पैसा कमाएंगे, किसी भी काम के मिस्त्री हैं उसमें भी पैसा कमाएंगे। तो दोस्तों ये ध्यान दें, कंस्ट्रक्शन के लाइन में जाइए जिसमें आप देखेंगे कि महिला और पुरुष दोनों काम करते नजर आएंगे। तो दोस्तों आशा और उम्मीद करूंगा कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर पोस्ट करेंगे, यदि मन में कोई सवाल सोचा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद।